अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आया हूँ हॉलीडे इन एक्सप्रेस होटल नासिक। उनका रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या नहीं है, कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें नहीं है। आज मैं आपके लिए वो चीजें पहले दिखाने वाला हूँ जो मैंने भी पहली बार देखी है, मैंने पहले किसी और होटल में नहीं देखी है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है टॉर्च। ये टॉर्च को आप निकालेंगे तो ये जल जाएगी और इसको वापस वहीं पर रख देंगे तो इसको इंसर्ट करना रहता है तो ये ऑफ हो जाती है। और दूसरा, यहाँ पे केटली रखी हुई है चाय वगैरह बनाने के लिए, ये सारा नेस्कैफे वही सब कुछ। यहाँ पे वाटर बॉटल्स और ये एक लॉकर है, यहाँ पर ये ओपन नहीं होता है तो इसको अगर आप जाएं कहीं भी किसी भी होटल में तो इसको अगर ओपन करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इसके लिखे हुए हैं सारे दिशा निर्देश जो भी है ओपन करने के लिए। 1 2 3 4 कोई भी डिजिट दबाइए, ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप रख सकते हो कुछ भी। इसको क्लोज करने के लिए वही पासवर्ड दबा दीजिए और लॉक करिए, हो गया लॉक। और नीचे फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में कुछ लस्सी, अमूल, रियल पाइन एप्पल्स, कुछ जूसेस रखे हुए हैं। और इधर ये चप्पल है इनकी तरफ से, वाइट वाली होटल की तरफ से। यहाँ पर एक टीवी है बड़ा सा। और इस साइड में यहाँ पर एक लीफ दिया इन्होंने, कुछ तो लिख के भेजा इसके ऊपर। और इधर आपका ये रखा हुआ है इन रूम डाइनिंग मेनू है कि आप जो भी रूम में खाना मंगवाना चाहें तो वो मंगवा सकते हैं आप। तो यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज भी रखे हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है, जबकि दूसरी होटलों में ये चार्जेबल रहता है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसमें वो ये है जो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी आज, ये फ़ोन। इस फ़ोन से आप फ़ोन भी कर सकते हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोन के अलावा भी। इसमें ब्लूटूथ है और रेडियो है, रेडियो चलाएंगे तो रेडियो चल जाएगा। चैनल चेंज करना चाहें तो वो भी होता है, तो इसको बंद कर दीजिए अभी वरना स्ट्राइक लग जाएगा यूट्यूब में कॉपी करने के जुर्म में। और दूसरा, यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं इस तरह की और यहाँ से इस तरह का व्यू दिखेगा आपको। और ये है आपका बेड और यहाँ से आपको दिखता है बाहर का नज़ारा। ये देखिए, ये है नासिक, ये मुंबई हाईवे है सामने जो आपको दिख रहा है पुल पे, और ये नासिक का रोड। यहाँ पर ये बेड है तो बेड में स्प्रिंग है नीचे तो ये काफी आरामदायक है। और इसके जो पिलोज हैं वो भी काफी सॉफ्ट है, देखिए इनके ऊपर सॉफ्ट भी लिखा हुआ है कहीं पे। तो ये देखो, तो चार पिलो दिए हुए हैं यहाँ पर। इधर लेट के आप आराम से लेट सकते हैं इस तरह से, और सामने आपके टीवी है। तौलिये से बना हुआ एक बतख रखा हुआ है जो आपके वेलकम के लिए रखा हुआ है। होटल में मुझे दो कमियां लगी, एक तो ये यहाँ पे सिर्फ हैंगर टंगा हुआ है, कोई अलमीरा नहीं है कपड़े रखने के लिए, कपड़े मुझे सिर्फ अपने बैग में ही रखने हैं या यहाँ पर रखने हैं इधर जाके। और दूसरा, आप देख सकते हो कि मेरा लैपटॉप बेड के ऊपर ही रखा हुआ है तो कोई टेबल नहीं है रखने के लिए, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए। तो ये थी इसमें दो कमियां सिर्फ, और रूम भी थोड़ा छोटा है। तो इधर आते हैं अभी बाथरूम में, यहाँ पे आपकी वही चीज़ें रखी हुई हैं सारी, सेंट वगैरह, परफ्यूम्स, और यहाँ पे दो टॉवल रखे हुए हैं सारे इधर। और इधर ये इसको ओपन करेंगे तो ये बाथरूम छोटा सा है, शावर एरिया, एसी ऊपर लगा हुआ है इधर। और ये टॉयलेट यहाँ पे अलग से है इधर। आपको ये रूम कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा,
आपको आज इस वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत तो जानकारी जरूर मिली होगी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, गुड नाइट। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...